कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए गोरस आए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, भारी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव जहां एक और हॉट सीट बन चुकी है, तो वहीं दोनों दलों के दिग्गज क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। इस बार लगता है कि चुनाव दो प्रत्याशियों के बीच नहीं बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच लड़ा जा रहा है। कल गुरुवार को जहां एक और बीजेपी की ओर से सीएम डॉ. मोहन यादव ने कराहल में रोड शो किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गोरस में विशाल जनसभा को संबोधित किया। सचिन पायलट शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से ग्राम गोरस में सभा स्थल पर पहुंचे और उनके स्वागत में जनता ने जेसीबी से फूल बरसाए और बड़ा ही शानदार आत्मीय अभिनंदन किया। सचिन पायलट ने गोरस सभा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील जनता से की और कहा कि राजस्थान और यहां का रोटी बेटी का नाता है, आप मुकेश को जिताइए, मैं वादा करता हूं कि ये 4 साल सच्ची सेवा आपकी करेंगे। सभा में मौजूद भीड़ में सचिन पायलट के लिए बड़े उत्साह था और हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए ललायत नजर आ रहा था। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या जानते हो 13 तारीख को मतदान होगा, मतदान क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, यहाँ चुनाव दोबारा क्यों कराने पड़ रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हो। जीतू पटवारी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी, सारे विधायक, हमारे सांसद अशोक जी, सारे के सारे यहाँ पर आपसे आवेदन करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं कि इस चुनाव में भोपाल में जो सरकार बैठी है वो तो बदलेगी नहीं, लेकिन जो एक साल से वादा खिलाफी हुई है, जो किसानों के साथ वादा करकर मुकर गए हैं, जो नौजवानों को बेरोजगारी के अंधकार में धकेल रहे हैं, जो माफिया का राज भोपाल में फैल गया, पूरे प्रदेश में फैल गया, उन लोगों की आंख खोलने के लिए और राजनीति में तराजू बराबर रखना चाहिए। ये वोट का अधिकार आपके पास है। 13 तारीख को जब मतदान होगा, हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं। मुकेश जी चुनाव लड़ रहे हैं और आपके भरोसे पर चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सब नेताओं ने मिलकर इनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और आप लोगों से आवेदन करने आया हूँ। ये हाथ का निशान है, इसको बटन दबाएं और मुकेश जी को विधानसभा भेजो और 4 साल तक आपकी सेवा करेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अब यहाँ पर सरकार केंद्र में भाजपा की है, प्रदेश में भाजपा की है और जब सत्ता में लोग होते हैं, जब सत्ता में लोग होते हैं तो ताकत का घमंड इतना हो जाता है, उनको लगता है कि जनता तो हमारी जेब में है, लेकिन जनता समझदार है। हमारे काश्तकार, हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े, अगड़े, नौजवान, माताएं, बहनें अपने अधिकार को जानते हैं। इस सरकार की आंख खोलने के लिए, इनको आईना दिखाने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में जरूर बन गई, लेकिन पिछले दिनों में उनको जवाब देना पड़ा। 300 पार, 400 पार, 500 पार की बातें करते थे ना बीजेपी वाले, जनता ने क्या किया, 240 पे लटका दिया, बाल बाल बच गए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो हो गया था काम, लेकिन राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बन गए और उन्होंने संविधान के साथ एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की जनता के अंदर कि संविधान के मूल भावना से खिलवाड़ नहीं होगा। हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनों का जो आरक्षण अंबेडकर साहब ने संविधान में लिखा था, उसको कोई छू नहीं सकता। और धन्य देश की जनता, जो लोग भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं, गौ माता के नाम पर वोट मांगते हैं, उन्हें खाद, बिजली, बीज, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, इनसे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, हो गई दुगनी आमदनी किसानों की, नौकरी देंगे, किसको नौकरी मिली यहां बताएं मेरे को। इनकी आंखें खोलने के लिए, लोकतंत्र में मजबूती दिखाने के लिए बटन दबाना पड़ता है और आपने जो स्वागत किया, सम्मान दिया, फूल बरसाए, इससे जीत नहीं होगी। जीत वोट की गिनती बटन दबाने से होती है, अगर बटन नहीं दबा तो जीत नहीं होगी। अब ये हमारा भाई छोटा ये खड़ा है और सुनो, ये भी इस बात को जानते हैं, मुकेश भी इस बात को जानते हैं, मेरा वैसे गला खराब है, सुन ले, मुकेश इस बात को जानते हैं, अगर हार जीत होगी तो आप लोग कराओगे, ये जीत के जाएंगे, आपके सेवक बनकर काम करेंगे, नहीं तो मैं खड़ा उनके कान पकड़ने के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है मेरा, ये मेरा भाई यहाँ चुनाव लड़ रहा है और ये जीतने जा रहे हैं, लेकिन आप इस जीत में आहुति डालोगे तो जीत का श्रेय भी जनता आपको जाएगा। अब आप मुझे बताओ दोनों आधे खड़े करके कि इनको जिताओगे कि नहीं जिताओगे।
आपने हाथ खड़ा कर दिया, मैं आप वोट डालो, सारे के सारे 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग, बुजुर्ग और नौजवान, इस मुकेश को वोट दोगे तो मैं इसका हाथ खड़ा करूं। बोल वोट दोगे? हाथ खड़ा कर दूं, हाथ खड़ा कर दूं, पक्की बात है? एक दो तीन। आप सबसे निवेदन, हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताओ, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करो, मेरे हाथों को मजबूत करो। हमारा राजस्थान दूर नहीं है, हमारा राजस्थान और आप लोगों का हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। आप यहाँ जिताकर भेजो, 4 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस सरकार बना के देंगे आप लोगों को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग खुश रहो, बहुत बहुत शुक्रिया, राम राम साहब।